गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रिपरेशन एंड देयर यूजेस. ओके, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन ऑक्साइड्स. जैसे कि बच्चे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्साइड्स जो आपके सिलेबस में से बेटा इसका कुछ पोर्शन कट गया, सिर्फ हमने एलिमेंट्री आइडियाज पढ़ना है. एलिमेंट्री आइडियाज का मतलब इसके बेसिक्स कि ये क्या होता है और अलग अलग में किस तरह के मतलब इन्हें बॉन्डिंग एक्सेट्रा होता है, यही हमने पढ़ना है. जैसे कि अब देखा बेटा, तकरीबन आपने सभी में ऑक्साइड पढ़ा होगा, तो एक चीज़ बेटा कॉमन होता होगा, पहला जो कंपाउंड होगा मतलब पहला एलिमेंट जो होगा सेकंड पीरियड का बच्चे, वो सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता होगा. सेम देख लो, पिछले वाले में सेम था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज करके फ्लोरिन सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता है जिसको बोलते हैं HF. ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं. ठीक है बच्चे, और इसके अलावा जितने भी अलग है ऑक्साइड, इसके अलावा बाकी जो है वो सभी काफ़ी सारे ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है बच्चे, मोस्ट और काफ़ी, और जो बच्चे जो बाकी होते हैं वो प्योर स्टेट में मतलब प्रेजेंट नहीं होते. मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट, दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वा सोल्यूशन. मतलब प्योर स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ ये कब होगा जब उसको इनके सोल्यूशन बनाएंगे. एक्वस मतलब जब वाटर में मिक्स होते हैं तभी ये स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, अदरवाइज ये अनस्टेबल होते हैं. ठीक है बच्चे, द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन गिवन, ये आपको बेटा टेबल दिया हुआ है. टेबल में जैसे कि आप देख लो, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स जैसे कि हैलिक एसिड है, हैलिक टू एसिड है, ये बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको. ठीक है, ये 5 है, इसका 7 है. ठीक है बच्चे, ये किस तरह के बना सकते हैं ये वाले. ओके बच्चे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना, बट बाकी डिटेल्स में नहीं है आपके सिलेबस में, तो थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडियाज इसके बारे में पता होना चाहिए. जो नेक्स्ट हमारा मेन है बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है. समटाइम आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड विद एग्जांपल, राइट, विद इट्स विद एग्जांपल. ठीक बच्चे, इंटर हैलोजन कंपाउंड बेटा वो कंपाउंड होता है जब दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो इंटर हैलोजन. मान लो कि एक्स बेटा हैलोजन है और एक और एक्स डैश उसके साथ जुड़ जाए, एक एक्स और एक्स डैश, एक हम एक्स लेना है, एक एक्स डैश लेना है. एक्स और एक्स डैश में मतलब क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्या बच्चे, कि ये दोनों एक तो अलग अलग होगा और उनके साइज भी अलग अलग होंगे, हैलोजन ही बेटा अलग अलग होंगे, और ये क्या बनाएंगे बेटा, एक्स और एक्स डैश. ठीक है, अब जैसे कि दे कैन असाइन इन सर्वल कॉम्पोजिशन, जैसे बेटा एक्स एक्स डैश हो सकता है, और ये बच्चे ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो, ये इनके भी नंबर बदल सकते हैं, इनके भी नंबर बदल सकते हैं. जैसे एक्स 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 डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7, और इसमें एक्स क्या है बच्चे, हैलोजन है. और जो बेटा सिंपल एक्स दिख रहा है ना आपको, ये लार्जर साइज वाला, और जो एक्स डैक्स वाला है ना वो स्मॉलर साइज वाला. ठीक है बच्चे, और याद रखना एक्स इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन एक्स डैक्स. और अब बेटा एक चीज़ आपको एक चीज़ बेटा हमेशा पता होगा, अब देखो बेटा ध्यान सुनो, लार्जर साइज मतलब कि फ्लोरिन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि आपको इतना पता ही है, जो स्मॉलर साइज वाला हैलोजन होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ये तो बेटा आपको क्लियर है ना, मतलब स्मॉलर इज द साइज मतलब कि वो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इसकी प्रिपरेशन देखो कैसे करते हैं. अब ये थोड़ा ये देख लो, द नंबर ऑफ एटम्स पर, और ये क्या बोल रहा है बच्चे, कि जो एक्स डैश होगा वो काफी, वो ज्यादा जो एक्स होगा बच्चे, जो लार्जर साइज का, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा किसके मुकाबले, एक्स डैश, क्योंकि एक्स डैश क्या होगा बेटा, छोटे साइज का होगा. छोटा साइज मतलब फ्लोरीन हो सकता है, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कम्पेयर टू बाकी के मुकाबले, तो उसके सामने तो आयोडीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही हुआ ना. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बच्चे इसका प्रिपरेशन. बोलते हैं कि द इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होता है बेटा वो प्रिपेयर होता है डायरेक्ट, आपने क्या करना है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करना है हैलोजन को, एक हाई रिएक्टिव हैलोजन को एक लोअर रिएक्टिव हैलोजन के साथ. ठीक है बच्चे, ये हाई रिएक्टिव है, ये उसके मुकाबले लो है, इन दोनों को हमने इक्वल अमाउंट में लिया, हीट किया बन गया, ये दोनों लिया हीट किया बन गया, ये दोनों लिया हीट किया और बन गया. ठीक है बच्चे, अब इनका देखो बेटा प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है बच्चे, इसकी प्रॉपर्टीज खुद आप देख लेना एक बारी, ज़्यादा टफ नहीं है. जैसे कि एक्स एक्स डैक्स है, मतलब क्या है इसमें, सी एल एफ भी हो सकता है, बी आर एफ भी हो सकता है, आई एफ भी हो सकता है, बी आर बी सी एल भी हो सकता है, आई सी एल भी हो सकता है. तो इसकी बेटा प्रॉपर्टी अलग अलग है, मतलब इनकी कोई कलरलेस है, कोई पेल ब्राउन है, कोई रूबी रेड सॉलिड एक्सेट्रा है. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है
और बेटा याद रखना ये सभी क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनके बीच में कौन से बॉन्डिंग होती है बच्चे, इंटरहलोजन कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड दोज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब मैं आपको डाय और पैरामैग्नेटिक बता देता हूँ। मान लो बेटा ये आप वैलेंस सेल है, किसी का वैलेंस सेल है, अगर मान लो इस वैलेंस सेल में बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक होता है पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये शेल कंप्लीट है, पेयर है ये पेयर है, अगर एक सिंगल रह गया किसी में तो अनपेयर, मतलब मान लो किसी भी एक में या तो एक में अनपेयर हो या इनमें से कोई भी, मतलब कहीं भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब पेयर में ना हो, तो वो कौन होगा अनपेयर। और तो अगर ऐसा कोई केस बन जाए उसे बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक, ठीक बच्चे। और इनकेस कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये सभी क्या होते हैं डायमैग्नेटिक, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं प्रेजेंट नहीं होता। और ये वोलेटाइल सॉलिड होता है, वोलेटाइल मतलब आपको पता ना इजिली उड़ जाएगा, अगर इसे थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो ये गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है बच्चे। और इसका वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहा है, और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहा है कौन से टेम्परेचर पे, 298 पे, एक्सेप्ट CLF एक इनमें एक एक्सेप्शन है जो हमेशा गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है बच्चे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो CLF की क्या बेटा, CLF की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन दो सब कॉन्स्टिट्यूट हैलोजन, मतलब कि ये गैसेस और लिक्विड के बीच में ही प्रेजेंट होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब गैसेस और लिक्विड के बीच में होता है। और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक बच्चा। मतलब कि ये हम किसकी बात करें, इंटरहैलोजन कंपाउंड की। इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है बेटा, इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है, गैसेस और लिक्विड के बीच में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, और इनकी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है मतलब सिंपल हैलोजन कंपाउंड से, ठीक है बच्चे। और इसकी केमिकल रिएक्शन कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल हैलोजन्स, अगर केमिकल रिएक्शन कंपेयर करेंगे इन जनरल क्या होगा, इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हैलोजन कंपाउंड के मुकाबले। और आप एक चीज देख लो बेटा, दिस इज बिकॉज एक्स एक्स बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक्स एक्स बॉन्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड में कमजोर होता है किसके मुकाबले, एक्स एक्स सिंपल एक्स एक्स बॉन्ड बच्चा कमजोर होता है, एक्स एक्स डैक्स बॉन्ड कमजोर होता है, मतलब एक लार्जर साइज हैलोजन वीकर साइज हैलोजन लो, जब इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाएंगे उस टाइम क्या होगा, एक्स एक्स बॉन्ड कमजोर होगा किसके मुकाबले, जब हम सिंपल एफ एफ बॉन्डिंग करेंगे, मतलब एक एफ लिया या सी एल लिया बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है बच्चे। एक्सेप्ट फ्लोरिन एफ एफ बॉन्ड, मतलब एक्सेप्ट फ्लोरिन बॉन्ड, ऑल दिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और ये सभी में हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस जब भी होता है ये क्या देता है हमें, हैलाइड देते हैं, ठीक है बच्चे। और ये क्या बनाते हैं, स्मॉलर एंड हाइपोलाइट बनाते हैं, ठीक बच्चा, इसे बोलते हैं एक्स और एक्स हाइपोलाइट बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलाइट बोलते हैं जब एक्स एक्स डैश थ्री हो, हेलेट बनता है जब एक्स एक्स डैश फाइव और पर हेलेट बनता है, ठीक बच्चे। तो आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दिस हाइपो हेलेट पर हेलेट और हेलेट और एक और कहाँ गया हमारा हेलाइट, ठीक है बच्चा। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स डैश आएगा या ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्स डैश, जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वो हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्शन करता है, एक्स एक्स डैश को जब भी आपने अपने क्या किया वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो एच एक्स डैश और एच ओ एक्स बनाएगा। और ये देख लो बच्चा डियर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, बच्चे इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और ये इसको हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी हमने आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक बच्चे। जैसे एक्स एक्स थ्री का वेंट स्ट्रक्चर बनाता है, वेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है बच्चे। एक्स एक्स थ्री वेंट स्ट्रक्चर बनाता है, एक्स एक्स फाइव क्या बनाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है, आई एफ सेवन क्या बनाता है पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है, तो इनके रिगार्डिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। एक बेटा क्वेश्चन है ये बच्चा, आपने खुद देखना है, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, आपने खुद देख के समझ के आना है, ठीक है बच्चे। अगर किसी को अगर नहीं समझ आता है बच्चे तो मैं हूँ, मुझसे पूछ लेना, सेम इसका यूजेस आपने खुद करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको खुद भी देता हूँ ताकि आप भी खुद कर सको वो, और मैं वही चीज़ बच्चे आपको देता हूँ खुद करने के लिए जो ईजी होता है, ठीक है बच्चे। लास्ट टॉपिक, लास्ट ग्रुप इसका ग्रुप 18, और आपको ग्रुप 18 का पता है नोबल गैसेज, नोबल गैसेज मतलब जो कि सिक्सा रिएक्ट नहीं करता, ठीक है बच्चे। हेलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनन रेडन और रेडन एक्सेट्रा, ऑल दिस गैसेस आर केमिकली
अनरिएक्टिव, ठीक है, ये क्या केमिकली अनरिएक्टिव है, ऑर्गेनेशियम, ऑर्गेनेशियम बच्चे कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, ठीक है बच्चा, ये लास्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनेशियम बोलते हैं इसको, क्वेश्चन में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, या एक नंबर में भी आ सकता है डैश डाल के कि कौन लास्ट एलिमेंट का नेम लिखो, या 118 एटॉमिक नंबर किसका है, ये भी आ सकता है, ठीक है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर टर्म एज नोबल गैसेस, और ये काफ़ी कम कंपाउंड है, और ये बेटा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, ये बच्चे रिएक्टिव नहीं होते हैं, आपको पहले ही पता है कि ये रिएक्टिव नहीं होते, मतलब जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ बेटा कुछ एक्सेप्शन ऑलवेज प्रेजेंट, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, अब हम एक तरफ कहते तो हैं कि हैलोजन किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट बच्चे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया होगा कि जैनन हो गया, क्रिप्टन हो गया, वो बॉन्डिंग बनाते हैं और कुछ ना कुछ कंपाउंड वो बनाते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था ना अक्रंस, तो इसके रिगार्डिंग बेटा बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे मैंने ये चैप्टर फिनिश कर देना है, ठीक है बच्चे, तो मैं एक चीज़ बेटा आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी तक आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे मुझे इस लेक्चर में आपने पूछ लेना है, ठीक है बच्चे, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड मैंने न्यू चैप्टर शुरू करना है, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।